दोस्तों, आपने कलर्स टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 15 तो देखा ही होगा, जिसमें मोस्ट हैंडसम एक्टर प्रतीक सहजपाल नजर आए थे, जो आज टीवी इंडस्ट्री में काफी फेम कमा चुके हैं और जाना माना नाम बन चुके हैं। जिसके बाद इन्होंने खतरों के खिलाड़ी 12 में भी दमदार एंट्री मारी। लेकिन कुछ ही सप्ताह के बाद प्रतीक सहजपाल के शो से बाहर होने की खबर आई थी। उनके एलिमिनेशन को लेकर लोगों का कहना था कि ये नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, मेकर्स ने प्रतीक सहजपाल और रोहित शेट्टी की बातचीत को भी गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की थी। इस बात का खुलासा खुद प्रतीक ने ट्विटर पर किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रतीक सहजपाल टीवी इंडस्ट्री के वो पहले अभिनेता नहीं हैं जिन्हें इतना ज्यादा फेम कमाने के बावजूद भी भेदभाव और पार्शियलिटी का सामना करना पड़ा है। बल्कि टीवी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से सितारे हैं जो इतने फेम के बावजूद मेकर्स का भेदभाव झेल चुके हैं। जी हाँ, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, कुशाल टंडन। सबसे पहले बात करते हैं टीवी एक्टर कुशाल टंडन की, जो हमेशा अपने हैंडसम लुक से तो दर्शकों को दीवाना बनाते ही हैं, साथ ही अपनी एक्टिंग के जरिए भी दर्शकों का दिल जीत लेते हैं और आज काफी ज्यादा फेम भी हासिल कर चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्हें मेकर्स के भेदभाव का सामना जब करना पड़ा जब ये बिग बॉस 7 में नजर आए थे। पर इस शो में सलमान खान से न केवल उनकी बहस हुई थी, बल्कि इन्हें भाईजान से काफी खरी खोटी भी सुनने को मिली थी, जहां दर्शकों को साफ पता चल रहा था कि इसमें मेकर्स की ही कोई चाल है। नंबर दो, अनेरी वजानी। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री अनेरी वजानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो टीवी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेम हासिल कर चुकी हैं और इन्हें अनुपमा के जरिए भी जबरदस्त पहचान मिली। जहां अनेरी वजानी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आ रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही शो से उनका पत्ता साफ हो गया। हालांकि अनेरी वजानी के एलिमिनेशन को लेकर माना जा रहा है कि मेकर्स का उनको निकालने का फैसला गलत था और उनके साथ भेदभाव हुआ है। नंबर तीन, करिश्मा तन्ना। लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार है कयामत की रात और नागिन जैसे सीरियल में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री करिश्मा तन्ना का। बता दें कि बिग बॉस के घर में रहते हुए करिश्मा तन्ना भी भेदभाव का सामना कर चुकी हैं। इनको न केवल सलमान खान से डांट पड़ती थी, बल्कि को कंटेस्टेंट ने जनरल नॉलेज को लेकर उनका मजाक बनाना भी शुरू कर दिया था और इसके लिए दर्शक भी मेकर से काफी ज्यादा नाराज हुए थे। नंबर चार, रुबीना दिलायक। टीवी इंडस्ट्री में संस्कारी बहू के नाम से जाने जाने वाली अभिनेत्री रुबीना दिलायक आज टीवी इंडस्ट्री की लेडी बॉस कहलाती हैं, जो इन दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में अपने जबरदस्त स्टंट करते हुए नजर आती हैं और बिग बॉस 14 में भी रुबीना दिलायक ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर भले ही इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इन्हें लेकर ये माना जाता था कि शो में उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था। यहाँ तक कि इन्हें हर बात पर सलमान खान से भी डांट सुनने को मिलती थी, जिसे लेकर दर्शक सलमान खान से काफी ज्यादा नाराज भी हुए थे कि क्यों वो रुबीना दुलायक को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी डांट सुनाते हैं। वेल दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि इन सितारों को मेकर्स द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।